इसका एक दिक्कत बाइक का है, जो मतलब क्योंकि माइलेज एक सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैं KTM चलाता हूँ, 390 गर्म तो होती है, आपके हिसाब से क्या ये ज्यादा गर्म होती है? ब्रेकिंग में थोड़ा सा काम किया जा सकता था, मतलब इससे बिल्ड क्वालिटी। मेरा जो ग्रुप है उसमें कभी कभी किसी को प्रॉब्लम आती है, तो चीज मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। बस KTM में ये एक तरीके से खिलौने टाइप दे दिया गया है। हे गाइस, वेलकम टू द बाइक्स वे यूट्यूब चैनल एंड दिस इज शांतन चौधरी अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक बाइक लेके आया हूँ जो मार्केट में सबसे ज्यादा अलग है। इतने प्राइस में कोई भी बाइक इतना फीचर नहीं लेके आ रही है। जो इंडियन रोड कंडीशन है उसके लिए और जो इंडियन पॉकेट अलाउ करता है उसके लिए ये बाइक परफेक्ट बाइक है। यह है KTM 390 एडवेंचर विथ बिग 19 इंच का एलॉय आगे, पीछे 17 इंच का एलॉय, बिग चेन स्प्रोकेट, बिग मशीन, बिग पावर, 42.9 PS का पावर निकालती है ये 9000 RPM पे, 37 Nm का टॉर्क है इसमें, जो कि इस सेगमेंट में 390cc सेगमेंट में किसी भी बाइक में नहीं है। मतलब जो आप खींचेंगे, आप पुल करेंगे, तो आपको जो पावर पुल करेगा वो सबसे ज्यादा है। बात करें इसकी प्राइस के बारे में, तो ये 390 और 4 लाख के बीच में का प्राइस वेरी करता है अलग स्टेट टू स्टेट। की फीचर्स आप लोगों को बता भी देता हूँ इसमें। राइडिंग मोड, ABS कॉर्नरिंग, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर, दो मोड्स हैं इसमें, स्लिपर क्लच भी है, तो काफी अच्छा और अट्रैक्टिव दिखता है और अट्रैक्ट करता है वैसे लोगों को जो कि थोड़ा फीचरिस्टिक बाइक पसंद करते हैं। वैसा बाइक चाहिए जो कि उनके पॉकेट पे भी इफेक्ट नहीं करे और ज्यादा से ज्यादा उनको फीचर मिल पाए। ये एक लौती ऐसी बाइक है जो इतना फीचर्स के साथ आती है, इतने कम दाम में आती है, इतना ज्यादा पावर के साथ आती है। सो आइए आप लोगों को मिलवाते हैं मिस्टर विपिन चंद्रा से। आप लोग इनको बाइक बाज के नाम से भी काफी लोग जानते हैं, मेरे चैनल पे काफी दिन से आ रहे हैं। तो विपिन भाई, क्या डिसीजन था इस बाइक को लेने के लिए, मतलब क्या सोचे जो यही बाइक लेना पसंद आया? तो एक्चुअली मैं थोड़ा राइड भी करता हूँ और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का मेरा शौक है, मेरी हॉबी है। तो मैंने सोचा कि एक नई एडवेंचर बाइक ले लेते हैं जो मतलब पहाड़ों में, ऑफ रोड में, हर जगह अच्छी चले। मैंने 2-3 बाइकें शॉर्टलिस्ट करी थी। कौन कौन सी? हिमालयन, BMW की 310 GS और BMW और अपनी एक 390 एडवेंचर। तो ये तीनों बाइकें हमने शॉर्टलिस्ट करी थी, फाइनली ये लिया। मतलब क्या देख के लिया? मतलब हमने तो सारी बाइकें राइड करी, हिमालयन भी मैंने राइड करी है, BMW की तो राइड, BMW 310 GS भी चलाई है और इसको भी राइड किया। तो सबसे पहला जो हिमालयन को नहीं लेने का था कि उसका जो हाईवे का परफॉर्मेंस है बहुत ही कम है। हम लोगों को जो चाहिए, जो एक पावर चाहिए हाईवे पे। मेरा घर है बनारस और यहाँ NCR से डायरेक्ट आप बनारस तक पूरा एक्सप्रेसवे एंजॉय करते हैं, तो नहीं होगा तो एक साल में तो एक बार जाओगे। तो अगर आपके पास ऐसी बाइक नहीं होगी और हिमालयन होगी तो फिर वो आप बोर हो जाओगे। 110-120 पे क्रूज करना बहुत ही मतलब टफ काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इस वजह से मैंने हिमालयन नहीं ली। 310 GS का मैंने बहुत सारा रिव्यू देखा था, बाइक नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत ही कम्फर्टेबल, लेकिन उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। मैंने इस बाइक की पहली सर्विस कराई थी, वो थी 1800 रुपए। जैसा हमने रिव्यू देखा है, 310 GS की पहली सर्विस लगभग 6-7 हजार के बीच में, 4-5 हजार, और दूसरी सर्विस जो होती है वो 10 हजार के आसपास होती है। तो ये सब चीजें देख के ना सर्विस फिर 15-16 ऐसे बढ़ेगी, लेकिन ये है मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत मेजर भी सर्विस होगी, तो आप 10 के नीचे ही बिल, 10 के नीचे ही बिल आने वाला है। कितना दिन हो गया इसको लिए हुए? इसको लिए हुए मुझे 1 साल हो गया। मैंने June 2022 में लिया था, नई पेंट स्कीम के संग आया था, राइडिंग मोड्स भी, राइडिंग मोड्स भी आया था इसमें। यस करेक्ट। तो कौन कौन सा राइडिंग मोड है, ऑफ रोड और स्ट्रीट रोड में कुछ पावर का डिफरेंस समझ में आया? पावर का डिफरेंस नहीं होता है, आप में बस इसमें कंट्रोल ABS स्विच हो जाता है, ABS ऑफ हो जाएगा ऑफ रोड में और ऑन रोड में। लेकिन देखा जाना चाहिए तो एक पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर आदमी स्ट्रीट मोड में है फिर आपको बहुत बड़ी बड़ी बाइकें खरीदनी पड़ेंगी। बस KTM में ये एक तरीके से खिलौने टाइप दे दिया गया है। बट हाँ, मतलब अगर आप पावर चाहते हैं कि पावर मोड चेंज हो जाए, कि भाई रोड मोड में चला रहे हैं, रेन मोड में चला रहे हैं, जो बड़ी बाइक्स में दिखता है कि Ducati वगैरह में जो राइडिंग मोड्स हैं, तो यो ब्लड ऑफ द बाइक विल चेंज, राइट? तो इसमें ये चीज नहीं होता है। कितना किलोमीटर चला लिया आपने अभी तक? अभी तक मैंने इसको चला लिया 7,033 किलोमीटर चल चुकी है, आप ओडोमीटर में देख सकते हैं ये। यस, 7,033 किलोमीटर चला चुके हैं। और अभी तक का ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी तक का राइड एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा, मतलब बहुत ही मजा आया। मैं इस पे लॉन्गेस्ट राइड मैंने कानपुर की थी, लगभग जो ओवरऑल जो राइड हुई थी 1100 किलोमीटर की हुई थी, और मुझे इस बाइक ने उस लॉन्ग रूट पे काफी सेटिस्फाई किया। मैंने उस पे ऑलमोस्ट 135, 140, 150, 160 तक भी गया था, मजा आ गया था।
उस लॉन्ग राइड पर। और इस बाइक का आपको सबसे ज्यादा की फीचर क्या लगता है, जो आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो इस बाइक? इस बाइक का जो सबसे अच्छा की फीचर है, सबसे पहले मैं जो सामने दिख रहा है वो इसका टीएफटी डिस्प्ले काफी अच्छा दिखता है। जब भी आप राइडर को ना एक मतलब किक मिलता है कि हाँ भाई मेरे पास ना, कस्टमाइज भी कर सकते हो। यस यस। दूसरा फीचर ये है कि इसमें पावर काफी तगड़ा, पावर अच्छा है। इससे ज्यादा पावरफुल इंजन अभी इंडिया में किसी भी ब्रांड या किसी भी बाइक के पास नहीं है, और इतने कम दाम में 4 लाख में यू विल गेट लाइक 42.9 BHP। तो हाईवे पे ना बॉस ये किंग है, मतलब इसको आगे पीछे करने के सोचना पड़ेगा। तो एनीवेज माइलेज तो इसके बीच में ही पूछूंगा वीडियो के कहीं भी, क्योंकि माइलेज एक सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस बाइक में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हुआ हो, आपको इशू लगा हो कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया अभी 7000 किलोमीटर में? इसका एक दिक्कत बाइक का है, जो मतलब वो सबके साथ कॉमन है। अच्छा, सबके साथ वो चीज कॉमन है। हाँ, मतलब इस बाइक का वो एक मेन इशू है ही, इंजन इसका जो लो आरपीएम पे इसका परफॉर्मेंस है वो काफी सही नहीं है। जैसा कि थोड़ा इलोबोरेट करके ऑडियंस को, थोड़ा फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में भी चला रहे हो तो इंजन बंद होना बार बार, जो इंजन बंद होने वाला प्रॉब्लम है, बाकी वो लो आरपीएम पे होता है। जब तक जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं और फर्स्ट गियर में रहता है क्लच छोड़ के, हाँ फर्स्ट गियर में आप क्लच छोड़ के भी छोड़ दो, इसमें ये चीज नहीं हो सकता। हाँ नहीं होता है, लेकिन जब वो 2000 से ऊपर जाती है पिकअप ले लेता अब, अगर बीच में छोड़ दे तो नहीं, थोड़ा सा आपको क्लच पकड़ना ही पड़ेगा, बाकी तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम? और इसका मुझे लगता है कि जो इसके एयर फिल्टर की क्वालिटी है वो इंप्रूव करा सकता है। अच्छा, हाँ एयर फिल्टर कंपैरिजन तो हम लोग बात भी कर रहे थे, एनवायरमेंटल कंडीशन जो है अपना इंडिया का वो ज्यादा पॉल्यूटेड, मुझे लगता है आपको हर सर्विस में तो चेंज करवाना पड़ेगा। हर सर्विस में अगर आप बहुत ही ऑफ रोड कर लिया आपने तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको चेंज करवा लो और इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि राइडर को बार बार इस चीज को क्लीन करना या चेंज करने से बचाया जा सकता है, और इस पे माइलेज का भी इफेक्ट पड़ता है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि ये बाइक रिलायबल है, यानी कि कस्टमर्स के लिए भरोसेमंद है, और ड्यूरेबिलिटी इसकी क्या, तो वो आप जरा लोगों को बताइए। जैसा मैंने अभी 1 साल हो गए इस बाइक को, और 7000 किलोमीटर चला भी लिया है। इसमें मैंने लॉन्ग राइड मतलब जो 2 दिन के अंदर मैंने 1100 किलोमीटर किया है, जनरली सिटी राइड और वैसे 200 तक 150-200 किलोमीटर तो अभी तक ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया मेरे को। ठीक है। बाइक में अभी मैंने वो जो सर्विस का 1800 रुपए के अलावा 1 रुपए एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया। 7000 किलोमीटर में अभी तक 1800 रुपए खर्च किया है, अभी सेकंड सर्विस आपका होने वाला है। सर्विस इंटरवल इसका क्या रहता है? 1 साल है या 7500? 1 साल और 7500 हम लोगों में है, जैसे BMW में 1 साल या 10000 किलोमीटर। ये सब ऐसा नहीं हो कि झड़झड़ झड़झड़ करने लगा हो या कुछ ऐसा, पावर मतलब बिल्ड क्वालिटी ऐसा कोई एक्स्ट्रा नॉइज को मुझे बहुत साइलेंट है, बट मैं मानना पड़ेगा एक चीज का जो इशू आता है। ठीक है, मेरे बाइक में आया नहीं, जनरली मैं देखा है कस्टमर्स जो है वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स और इशू नहीं शेयर करना चाहते हैं। एक जेन्युइन रिव्यू तभी बन के तैयार होता है जब एक कस्टमर उसके अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में बात करे। तो बताइए, मैं बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैंने वो प्रॉब्लम फेस नहीं किया है, लेकिन मैं मेरा जो ग्रुप है उसमें कभी कभी किसी को प्रॉब्लम आती है, तो चीज मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि आपको पता रहे इसके जो फ्यूल पंप का इशू आता है जनरली देखा गया, लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि KTM ने वो अभी जो काफी कंप्लेन गया तो इम्प्रूव हो गया, और मैंने अभी पिछले 6 महीने में मेरा जो ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट 300 से ऊपर KTM एडवेंचर राइडर है। okay. तो अभी बीच में ऐसा कोई किसी का कंप्लेंट नहीं आया, लेकिन फ्यूल पंप फूक जा रहा था। फ्यूल पंप फूक जा रहा था okay. रास्ते में तो करके उसको ओह माय गॉड। हाँ नहीं नहीं, ये तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम फेस करनी राइडर्स कर रहे थे। ओके ओके। कोई ऐसा मेमोरी आप शेयर करना चाहते हो इस पर्टिकुलर बाइक को लेकर के, पब्लिक रिएक्शन या कुछ ऐसा वो मोमेंट क्या था? वैसे देखो तो ये सेगमेंट आती है तो जनरली हर किसी के पास नहीं होती है, लेकिन अगर आप कहीं
जाते भी हो, सिग्नल पर रुकते हो, तो लोग जरूर थोड़ा सा अटेंशन देते हैं इस बाइक को। मैंने इसको 170 हिट किया था। अच्छा 170? हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे पे। 170 या 178? 170। ओके 170 हिट किया था, ठीक है। मतलब वहाँ हिट करके मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उससे हो सकता है और करता तो मैं 175 पे जाता, लेकिन रिस्क लेने का क्या जरूरत है। कभी जाम वाम में स्पीड, ये जो डिवाइडर पे चढ़ाया है, एडवेंचर बाइक लेंगे का फायदा। अब सीधा चिट एंड चैट करके निकल सकते हैं। हाँ, नॉर्मल ब्रेकर डिवाइडर आप तुरंत पार करा लेते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होती है, इसका जरूरत नहीं होती ब्रेक लगाने की कभी कभार। बाइक में सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, क्या ये सेफ्टी फीचर्स काम का है या फिर ऐसे ही डाल दिया गया? ऐसे देखा जाए तो इस सेगमेंट में इससे ज्यादा करेक्ट रिच बाइक आपको फीचर, हाँ फीचर रिच बाइक नहीं मिलेगी। आपको स्लीपर क्लच मिलेगा, राइड बाय वायर एबीएस मिलेगा, कॉर्नरिंग एबीएस भी मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, फीचर जितने भी हो सकते हैं बाइक में अभी, मतलब इस सेगमेंट तो काम का है सारा फीचर या ऐसे ही है? अगर आप फ्रीक्वेंट ऑफ रोड करते हो, करेक्ट, पहाड़ों में जाते हो, तो आपके लिए राइडिंग मोड काम का है। अगर आप केवल टूरिंग कर रहे हो तो वो सब बस आपके लिए फीचर रखा हुआ है, मैक्सिमम यूज नहीं होता, हाँ, तो हाँ। ब्रेक को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने बीएमडब्ल्यू ओनर होने का फायदा, बीएमडब्ल्यू में ब्रेकिंग अल्टीमेट, मतलब आप KTM 390 का अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए कि ब्रेकिंग में कैसा है। ब्रेकिंग में थोड़ा सा काम किया जा सकता था, ब्रेकिंग में वैसे मैंने कभी ऐसा इशू फेस नहीं किया, इंप्रूव किया जा सकता। हाँ, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए या जर्नी जब चलाते हो, मेरे कभी ऐसा पैनिक ब्रेकिंग या उस कंडीशन आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम किया जा सकता था ताकि इसकी और ब्रेकिंग अच्छी और इफेक्टिव हो सकती थी। बाकी तो ओवरऑल देखा जाए तो आगे वाला या पीछे वाला मिक्स कर सकते हैं, कंबाइंड ब्रेकिंग, मतलब आगे वाला ही ले सकते हैं। लेकिन कोई 390 ओनर है तो वो देख रहा है, तो अगर आपको इम्प्रूव करना है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज करके कुछ अच्छी क्वालिटी का, कुछ अच्छा क्वालिटी का डिस्क पैड लगा के, कुछ सिरेमिक पैड, जैसे मैंने अभी किया ना, अच्छा ईबीसीआई। सो अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने इसको अलग अलग वेदर कंडीशन में चलाया है बाइक को, और अलग अलग वेदर कंडीशन जैसे बारिश में तो आपने ग्रिप लूज किया है, कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मैंने ऑलमोस्ट आइस में नहीं चलाया, ठीक है, आइस को छोड़ के सारे मड में चलाया है, बारिश में चलाया, बाकी गर्मियों में ऑलमोस्ट सारे वेदर कंडीशन में चला चुका हूँ। और ऑफ रोड के मामले में देखा जाए, मैं एक बार लेपर्ड ट्रेल गया था, तो वहाँ मैंने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की थी, ठीक है, ठीक है। तो सारे कंडीशन में देखा जाए तो टायर्स इसके काफी अच्छे हैं, मेडला टूरेंस टायर आते हैं, रोड ग्रिप भी काफी अच्छी है, मतलब मैंने ऐसा कभी मेरे को फील नहीं हुआ कि मैंने कंट्रोल लूज किया हो, या काफी कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं ना कि भाई अब गिर जाएंगे, भाई नहीं कॉर्नर कर रहे हैं गिर जाएंगे, ऐसा नहीं। कॉर्निंग तो और भी मजे आते हैं करने में। टायर का जो विड्थ है जो थोड़ा पतला है BMW से, तो G310 GS में भी मेटजलार का टूरेंस स्टॉक टायर्स आते हैं। Have you done any modification or planning? क्योंकि modification लोग क्यों कराता है? Modification लोग कराता है अपने और ज्यादा कंफर्ट के लिए। तो इसमें कुछ ऐसा लगा कि जो आपको मॉडिफाई कराना है? बहुत ज्यादा इस पे स्टिकर और वो सब लगाने में मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, क्रैश गार्ड लगवाया जा सकता है, लेकिन इसमें जो स्टॉक क्रैश गार्ड है वो भी काफी अच्छे हैं, और बाइक फ्री फॉल हो चुकी है। अच्छा, फ्री फॉल हुई थी, क्रैश गार्ड को छोड़ के स्क्रैच तो आया नहीं आया, क्रैश गार्ड और एक विंडस्क्रीन भी। विंडस्क रीन तो मेरा पहले लिस्ट में है जो मैं अभी भूल गया, लेकिन विंडस्क्रीन मेरे को लगवानी है प्यूक की, यस मेरे में लगा हुआ है। कितने का आ रहा होगा प्यूक का? 11-12 हज़ार, 12-13 के आसपास। भाई साहब, इसमें आप जीपीएस से नेविगेट भी कर सकते हो। मेरे पास अभी तक मैं जितना भी नेविगेट किया है तो मैंने मोबाइल से लगा लिया, यही रीजन है कि मैंने अभी तक जीपीएस माउंट नहीं लगवाया। क्या मतलब है, एक डिस्प्ले यहाँ एक डिस्प्ले फिर यहाँ पे, मोबाइल गिरने का चांसेस एंड ऑल रहता है, उसमें अलग खर्चे होते हैं, वाइब्रेशन होता है, और मीनवाइल आप एक चीज बता रहे थे कि इसमें कॉल आता है, तो यहीं से आप कट कर सकते हो देख के कि भाई कौन कॉल कर रहा है। मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है, मेरा नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, और ओ माय गॉड, वाओ, ये देखो संतन चौधरी लिख के आ रहा है, एंड इसको आप यहीं से कट और रिसीव भी कर सकते हैं, इससे आप उठा सकते हो। अच्छा, और इससे आप कट कर सकते हो। nice. मैं उठाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन हो गया और यहाँ टाइमर भी चलने लगा। वाओ, नाइस, मैं चाहूंगा तो यहीं से कट भी कर दूंगा, देखो यहाँ से कट करे और ये कॉल कट हो गया और यहाँ भी कॉल कट हो गया। नाइस, सो दिस इज कूल फीचर, मतलब सेफ्टी फीचर ही है एक। और BMW को नहीं लेने का मेरा एक रीजन कह सकते हैं ये वाला भी है, TFT डिस्प्ले और उसका फीचर, उस जगह पे BMW अभी भी पीछे है इस करेक्टर, अभी भी BS6 भी आ गया तब भी उतना फीचर नहीं है उसके अंदर जितना इसमें है। क्या ये बाइक लॉन्ग राइड और शॉर्ट राइड के लिए कम्फर्टेबल है या नहीं है? कितने किलोमीटर चलाने पर कमर में दर्द हो जाएगा या ऐसा कुछ है? टूरिंग के लिए काफी अच्छी है, सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है। हाँ, ये सब बोलता है, ऐसा है क्या? पीछे के स्टिफ है जो आपको महसूस होगा राइड करते के टाइम। तो आपको कमर में कभी ऐसा दर्द हुआ? नहीं, ऐसा कभी मैंने फील तो नहीं किया कमर में दर्द। मैं KTM चलाता हूँ, 390 गर्म तो होती है, आपके हिसाब से क्या ये ज्यादा गर्म होती है? तो होती है,
लेकिन अगर आप ट्रैफिक में चलाओगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा हीट महसूस, बहुत ज्यादा पैरों पे वरना आप चल रहे हो हाईवे पे, हाँ हाईवे पे तो कोई भी गाड़ी, इसके फैन है बाहर की तरफ दोनों, एक साइड लगा हुआ तो सीधे पैरों पे ही, दोनों घुटने पे आपको 28 के आसपास जो है आपको गर्मी लग रहा होता है। तो इस बाइक का ना माइलेज आपको दिखा देते हैं, जिसकी बात हम शुरू से कर रहे थे और लास्ट में आपको बताने वाले थे। तो ये है हमारा कंसोल और इसमें अभी जो आप देख रहे हो ये ट्रिप वन है, ये मैंने जब से लिया है तब से इसको जीरो किया ही नहीं है। तो इसमें 7085 किलोमीटर चल चुकी है बाइक और जो एवरेज निकाल के दिया, जो माइलेज निकाल के दिया 27.2 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज निकाल के दिया। और अभी बात करें लास्ट ट्रिप की, जो कि है 395 किलोमीटर की और 29.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये अगर ये वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल बाइक्स वे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।